श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत्कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8वें-9वें महीने में मतलब लड़का होने के कौन से सटीक लक्षण दिखाई देते हैं, अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो उसकी जो मूवमेंट है आपको कहाँ पर फील होती है, और इन 8वें और 9वें महीने में मतलब कौन कौन से आपके शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं, कौन कौन से जो सटीक लक्षण हैं आपको दिखाई देते हैं, जिससे कि आप समझ सके कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, आज के समय में देखिए लड़का लड़की में कोई भी फर्क नहीं है, ये सिर्फ आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बनाई गई वीडियो है। साथ ही दोस्तों, जो भी मैं आपको मतलब इस वीडियो में जानकारी दे रही हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर दे रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले लक्षण की बात करें तो देखिए 8वां-9वां महीना मतलब आपका बेबी का पूरा विकास हो चुका होता है और बच्चा मतलब डिलीवरी के लिए बाहर आने के लिए मतलब अपनी पोजीशन बनाने लगता है। और कई गर्भवती महिलाओं को देखिए 8वें महीने के लास्ट में या 9वें महीने के मतलब शुरुआत में जैसे बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेने लगता है, यानी बच्चा आपका बच्चादानी जो मतलब यूट्रस में अपना जो सिर है वो फिक्स करने लगता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको 8वें-9वें महीने में ही मतलब जो आपका बेबी है वो हेड डाउन कर ले। कईयों को देखिए डिलीवरी के कुछ समय पहले भी मतलब ये पोजीशन वो बना लेता है, और ख़ासकर उन गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, और जिनकी देखिए सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है तो उस समय पर मतलब अधिकतर जो गर्भवती महिलाओं की जो बेबी जो हेड डाउन है वो डिलीवरी से कुछ समय पहले ही करते हैं। वैसे तो दोस्तों देखिए प्रेगनेंसी के मतलब 34 वीक या 36 वीक तक जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन ले लेता है, यानी उसके पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं और हेड नीचे की तरफ होता है। देखिए यूट्रस में जगह बहुत कम होती है तो उस समय पर आपकी बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत कम आपको फील होती है, और आपको उसकी जो मूवमेंट है वो नाभि के मतलब ऊपरी वाले हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है, यानी वो कम मूवमेंट करता है लेकिन जब भी वो मूवमेंट करेगा तो मतलब वो ज़ोर से मूवमेंट करता है, क्योंकि उस टाइम पे उसका पूरा विकास हो चुका होता है तो वो बाहर आने के लिए तैयार होता है। जब भी वो मूवमेंट देखिए मूवमेंट कम करेगा लेकिन उसकी जो मूवमेंट है आपको अच्छे से फील होगी। अगर आप ध्यान दें 8वें-9वें महीने में तो आपको उसकी जो मूवमेंट है आपको पेट के ऊपरी वाले हिस्से में ज़्यादा महसूस होगी, या जब आप रेस्ट करें या रात के समय जब आप करवट लेके लेटते हैं या लेफ्ट करवट से आप जब लेट कर देखें तो आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट है अगर ऊपरी वाले हिस्से में महसूस हो रही है तो समझ जाइए कि आपके बेबी ने हेड डाउन पोजीशन ले ली है। दोस्तों, अगर इस समय पर आपको बच्चे ने मतलब हेड डाउन पोजीशन नहीं ली होती है तो आपको उसकी जो मूवमेंट है वो पेट के निचले हिस्से में ही ज़्यादातर महसूस होती है, या फिर आपको पेट के जो राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड ज़्यादातर महसूस होती है। साथ ही दोस्तों देखिए इस टाइम पर यानी 8वें-9वें महीने में आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी आपको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, यानी आप जब बैठते हैं तो उठ नहीं पाते और उठते हैं तो जब बैठने के लिए बैठते हैं तो मतलब बैठना आपको मुश्किल पड़ जाता है। इस तरह की अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। वहीं पर दोस्तों आपको मतलब 8वें-9वें महीने में अगर आपके पैर में कमर में बहुत ज़्यादा आपको दर्द बना हुआ है तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको 8वें-9वें महीने में आपके पेट का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ यानी नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ दिख रहा है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये साइन भी कहीं ना कहीं देखिए लड़का होने का माना जाता है। दोस्तों, अगर 8वें-9वें महीने में अगर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट कम फील हो रही है यानी दिन में अगर 8 से 10 बार ही अगर आपको उसकी मूवमेंट फील हो रही है तो ये साइन भी कहीं ना कहीं लड़का होने का मतलब लक्षण माना जाता है। और कई बच्चे देखिए ब्रीज पोजिशन में भी होते हैं यानी वो हेड डाउन नहीं करते हैं और उस समय पर आपको उसकी मूवमेंट मतलब ज़्यादा फील होती है। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि अगर आपके बेबी ने मतलब 7वें-8वें महीने में अगर हेड डाउन पोजीशन कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हेड डाउन पोजीशन कर लिए तो आपकी डिलीवरी होने वाली है। दोस्तों, कई बच्चे देखे जल्दी हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं तो आपको ये मतलब उसकी जो मूवमेंट है मतलब 7वें-8वें महीने से ही आपको कम फील होती है और आपको ज़्यादातर मतलब पैरों में कमर में दर्द बना ही रहता है। अगर आपको मतलब चलने फिरने में अगर आपके प्राइवेट एरिया में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है मतलब दर्द हो रहा है, आपका पेट नीचे से बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। तो दोस्तों, ये 8वें-9वें महीने में दिखाई देने वाले कुछ सटीक लक्षणों की जानकारी दी है, साथ ही बच्चे की जो मूवमेंट है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।